दिस इज आर थर्ड क्लास ऑफ एंटोमोलॉजी प्रैक्टिकल एंड वी आर डूइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। अब आते हैं हम ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा में आते हैं कॉकरोचेस और मैंटिड्स। कॉकरोचेस, मैंटिड्स, मैंटिड्स तो शायद आपको डायग्राम दिखाऊंगी तब ध्यान आएगा, कॉकरोच तो आपने बहुत बार देख रखा होगा इसलिए, और पढ़ भी रखा है पहले। तो सबसे पहले ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनमें लॉन्ग फिलीफॉर्म एंटेना होते हैं। फिलीफॉर्म का मतलब होता है धागे नुमा। तो कॉकरोच का ध्यान करें कितने लंबे पतले धागे नुमा एंटेना होते हैं। और जो सबसे पहला खंड होता है थोरैक्स का, उसका जो प्रोनोटम है वो बहुत बड़ा होता है। अभी मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। और इसके अलावा जो इसमें दो जोड़ी विंग्स हैं, पर फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स यानी कि फोर विंग्स जो हैं वो टेग्मिना में परिवर्तित हो जाते हैं। टेग्मिना यानी कि एक प्रकार का विंग कवर है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, फ्लाइंग में काम नहीं आता है और ये हाइंड विंग को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और लेदरी समान होता है, चमड़े के समान होता है, मतलब कि सॉफ्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसके अलावा टार्साई जो है, इसमें जो लेग्स होते हैं उसके टार्साई फाइव सेगमेंटेड होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉकरोच। तो ये है कॉकरोच। कॉकरोचेज आपने देख रखे हैं, है ना। कॉकरोचेज में जो बात हो रही है, प्रोनोटम बहुत लार्ज है। दिस इज़ द प्रोनोटम। हेड जो है इसका वेंट्रल साइड, निचली साइड पे होता है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। बहुत लंबे लॉन्ग फिलीफॉर्म एंटीना है। तीनों लेग्स लगभग एक समान, तीनों जोड़ी लेग्स एक समान होती हैं। और जो थोरैक्स का सबसे पहला सेगमेंट है उसका जो ये डॉर्सल प्लेट है प्रोनोटम, ये बहुत बड़ी होती है और बाकी दोनों सेगमेंट्स छोटे होते हैं। और जैसे कि विंग की बात करी, फोर विंग ये है टेग्मिना, और हाइंड विंग जो कि बड़ा भी होता है, मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्लाइट के काम आता है। दूसरा जो स्पेसिमन इसी ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा में आता है वो है प्रेइंग मैंटिस। स्पीशीज है मैंटिस रिलिजियोसा। प्रेइंग मैंटिस, अब आपको इस डायग्राम देख के ध्यान आ गया होगा, इस प्रेइंग मैंटिस को हम कॉमन लैंग्वेज में राम जी का घोड़ा भी कहते हैं। ये लाइट ग्रीन कलर का होता है और इसका जो प्रोनोटम है आप देख रहे हैं, ये पहला सेगमेंट थोरैक्स का काफ़ी आकार में बड़ा होता है, लंबा होता है। हेड आप देख रहे हैं वेंट्रल साइड की ओर ओरिएंटेड है इस प्रकार से। एक जोड़ी एंटीना, लॉन्ग फिलीफॉर्म एंटीना। जो अंतर है वो है इसके लेग्स में। जो फोर लेग्स हैं यानी कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं, आप जानते हैं इंसेक्ट्स में तीन जोड़ी लेग्स हैं, प्रत्येक सेगमेंट थोरैक्स के प्रत्येक सेगमेंट में ये पाए जाते हैं। एक जोड़ी लेग प्रोथोरैक्स में, एक जोड़ी लेग मीजोथोरैक्स में और तीसरी जोड़ी लेग मेटाथोरैसिक सेगमेंट में। तो जो प्रोथोरैसिक लेग्स हैं या फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं या जिसे हम फोर लेग भी कहते हैं, वो रैप्टोरियल प्रकार की होती हैं। रैप्टोरियल से क्या मतलब है कि दोनों जो लेग्स हैं वो एक तो आगे की ओर, जैसे कि कोई हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। प्रेइंग का मतलब यही होता है, प्रार्थना करना। तो इस प्रकार से लगता है कि दोनों ओर जो दोनों लेग्स आगे की ओर इस प्रकार से ओरिएंटेड होती हैं जैसे कि कोई प्रेइंग वाला पोस्चर हो। और इसमें जो है आप देखें, ये फीमर और टिबिया में के बीच में ये दांती से होते हैं, डेंटिकल्स होते हैं। तो एक्चुअली ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए, यानी कि जो छोटे मूवेबल चाहे इंसेक्ट्स हो या अन्य कोई और छोटे इंसेक्ट्स हो, तो उनको जो मूव करते हैं फास्ट मूविंग जो इसका भोजन है, तो उनको पकड़ने के लिए ये रेप्टोरियल लेग्स होते हैं। और वो प्रे जो है, शिकार जिसे कहते हैं, वो
इस टिबिया और फीमर और टिबिया के बीच में पकड़ लिया जाता है एक चिमटी के समान। तो दिस इज प्रेइंग मैंटिस विद रेप्टोरियल टाइप ऑफ फोर लेग्स। वैसे हम रेप्टोरियल लेग्स जो हैं, जो थियोरी का अपना चैप्टर है लेग्स का स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशंस, उसमें कर चुके हैं। तो ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा में हमने दो स्पेसिमेंस पढ़े, कॉकरोच एंड प्रेइंग मैंटिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर एंड दैट इज हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में आते हैं बग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेमिप्टेरा में जो बग्स हैं वो किस प्रकार से आप पहचानेंगे। हेमी मीन्स हाफ, PTERA पटेरा मीन्स विंग। तो ये देखा गया है कि हेमिप्टेरा में जो फोर विंग है वो हाफ तो हार्ड होता है और हाफ मेम्ब्रेनस होता है। इस प्रकार से जो आधार वाला भाग है जिससे कि थोरैक्स से जुड़ा होता है विंग का, केवल फोर विंग की बात हो रही है, ये हार्ड है, और दूरस्थ भाग जो है ये मेम्ब्रेनस होता है, इसमें जो है विंग की वेन्स नजर आती हैं। इसको हम हेमी एलिट्रा भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेमी एलिट्रा। तो फोर विंग हेमी एलिट्रा के फॉर्म में होता है, और हाइंड विंग जो है वो कंप्लीटली मेम्ब्रेनस होता है पूरा का पूरा। तो दिस इज द फर्स्ट व्हाट यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी फाइंड आइडेंटिफाई द बग्स। इसके अलावा बग्स में ओपिस्थोरिंकस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। ओपिस्थोरिंकस टाइप के माउथ पार्ट्स यानी कि जो माउथ पार्ट्स हैं वो एक ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, और वेंट्रली ये पुस्टीरियर साइड पर, वेंट्रल साइड से पुस्टीरियरली पॉइंटेड होते हैं, यानी कि पीछे की ओर लेग्स के बीच होते हुए ये ट्यूब जाती है या प्रोबोसिस जाती है। ये हम हेड के स्ट्रक्चर में कर चुके हैं। सो पहला स्पेसिमेन हेमिप्टेरा का वो है रेड कॉटन बग यानी कि डिसडर्कस। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रेड कॉटन बग जो है ये कॉटन फील्ड में कॉटन के प्लांट्स पे ये पेस्ट है, बहुत कॉमन पेस्ट है राजस्थान का। और इसका जो फोर विंग है यानी कि हेमी एलिट्रा है, इसमें रेड और ऑरेंज कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं, और इसका जो एब्डोमन है ये टोटली कंप्लीट रेड कलर का होता है। ये आते हैं फैमिली पायरोकोरिडे में। दूसरा जो बग है जिसको हम कहते हैं ज्यूअल बग, स्पीशीज है क्लोरोक्रोआ। ये ज्यूअल बग बहुत ही चमकीला हरे रंग का, या बहुत ही जो ब्राइट ब्लू कलर का, इस टाइप का ये चमकीला बग होता है। और ये आता है फैमिली पेंटाटोमिडे में। फैमिली पेंटाटोमिडे मतलब कि पेंटाटोमिडे में जो लास्ट सेगमेंट है थोरैक्स का, ये इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर प्लेट बनाता है जो कि पीछे की ओर आप देख रहे हैं एब्डोमन के लगभग आधे एब्डोमन को कवर कर रखता है। इस प्लेट को स्क्यूटलम भी कहते हैं या शील्ड भी कहते हैं, इसलिए इनको शील्ड बैक बग भी कहा जाता है। शील्ड शेप का शील्ड बैक बग भी कहेंगे, स्टिंग बग्स भी कहते हैं। तो दिस इज बाय हाउ यू, और फिर इसके वेंट्रल साइड पे आप देखते हैं टू पेयर्स ऑफ विंग्स हैं स्क्यूटलम के वेंट्रल साइड पे। फोर विंग तो हेमी इलेक्ट्रा की तरह होता है, और हाइंड विंग जो है वो कंप्लीटली मेम्ब्रेनस है। दोनों ओर की विंग्स जो हैं इस प्रकार से ओवरलैप करती हैं। सो दिस वॉज ऑर्डर हेमिप्टेरा। थैंक यू।